दोस्तों कई बंदे सोच रहे होंगे यार मैं इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा। एक्चुअली बात ऐसी कि सिस्टर की शादी आने वाली है, 22 फरवरी की उनकी शादी है, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। इधर उधर तेरे हमको पता ही है, इधर उधर कार्ड पहुँचाने पड़ते हैं सबके लिए, रिश्तेदारों टाइम नहीं मिलता। सबसे पहली बात तो क्या, सुबह निकलते हैं शाम तक आते हैं, या फिर कहीं वहीं रुकना पड़ जाए तो मोबाइल की बैटरी अच्छी चलती नहीं है, आपको पता ही आईफोनों का क्या हालत है। तो जस्ट अभी मेरे को लगा आज मैं थोड़ा फ्री हूँ क्योंकि पापा जी यहाँ पे बैठे हैं बाहर, तो मैंने सोचा मैं जब तक ब्लॉग वगैरह बना लूँ अपना यार, क्योंकि जब कुछ स्टार्ट किए तो उसको बीच में नहीं छोड़ा जाता है। तो कुछ दिनों तक शायद मैं ऐसे बिजी रहूँगा, लेकिन करूँगा कोशिश जितना हो सके ब्लॉग बनाने की। तो बाकी स्टार्टअप करते हैं दोबारा से, और जो जो भाई मुझे सपोर्ट करते हैं उसमें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे सभी? तो अभी फिलहाल मैं हूँ करौली में, क्योंकि नर्सरी अपन की करौली की यहाँ पे वो काफ़ी प्रसिद्ध है ये नर्सरी पेड़ पौधे के लिए। तो मैं अब देखता हूँ कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, किसी को पकड़ते हैं यार, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमको एक भाई मिल चुका है, तो वो मेरी थोड़ी सी हेल्प करेगा, तो आइए देखते हैं। बड़े बड़े पेड़ के यार सागवान के? अरे भाई ये तो नहीं है। अच्छा चंदन के होंगे। सब बढ़िया। तुम्हारे पापा आए आज? पापा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। ये किसका पेड़ है यार, एक बार कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, अगर कोई जानता हो तो यार ये पेड़ किसका है ना। तो दोस्तों सारी डिटेल देंगे जितना भी मेरे पास आता है, फिर जितना भी भाई लोग यहाँ पर बताएंगे। कि अभी ये बता रहे हैं कि जो भाई यहाँ पर रहते हैं अक्सर, वो अभी है नहीं फिलहाल, कहीं बाहर गए हुए हैं शादी में, तो फिलहाल कभी और आएंगे इसके बारे में और अच्छी डिटेल में, लेकिन जितना भी मैं आपको बता सकता हूँ तब मैं बताऊँगा। ये देखो यार, प्रकृति सच में जन्नत है यार, इसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता इन एनी कंडीशन, मतलब तो काफ़ी अच्छे थे। पापा जी खड़े देखो ऊंचे ऊंचे। दोस्तों कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, देखो यार इनका घर है यहीं पर। ये यहाँ पे कुछ लोग वहाँ लग रहे हैं ताकि इनकी संभाल कर सकें। और छोटू कैसा है? कैसा भाई, क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं भैया, डर गए दोनों मुझे देख इतना बुरा लग रहा हूँ क्या मैं चलो सही है। ये भाई हमारी बहुत हेल्प करने वाला आज, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है के बारे में, तो भाई थैंक यू, चलो आ जाओ दोस्तों।
हाँ गुलाब और भाई और ये इधर किसके पेड़ है बे फाइकस फाइकस आना एक बार ये बाकी आम आम का अच्छा आम के पेड़ हैं हैं चलो बढ़िया आ जाओ ये वाले फाइकस के हैं कितनी बड़ी है अभी ये बगल वाला खेत भी इतना ही हाँ भाई शान भाई ये मकान अब बना रहे ये यहाँ पे जो पेड़ सूख चुके हैं वो रखे हुए हैं शायद एक साथ इकट्ठे लोग वाग लगे हुए हैं पेड़ पौधों को सुधारने के लिए काफ़ी बड़ी है यार ये वैसे तो मकान भी काफ़ी अच्छा बना रखा भाइयों ने चलो अच्छी बात है पापा जी एंट्री कर चुके हैं स्वामी जी और ये अपने भाई ये देखो ये पेड़ पौधों में जो मिट्टी वगैरह डालते हैं तो पन्नी में पैक करके डालते हैं तो वो भाई लगे हुए और भाई कहाँ से वहाँ छोटू भाई अरे आजा कोई दिक्कत नहीं यार ये तो नॉर्मल सी बात है कहाँ से हुए दोस्तों वो बच्चा काफ़ी डर गया यार अभी आ नहीं रहा बार बार बोल रहा है उन्होंने उनकी मम्मी जाने कौन लग रही है बोल रहा है कि मेरे कैमरे में क्लियर वो डर गया तो जस्ट वो तो अभी चला गया है मैं खुद अकेला ये भी देखता हूँ तो ज़्यादा कुछ तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा लेकिन जितना उस वक्त दिखाने की कोशिश करूँगा हर एक चीज़ आपको बताइए यार जैसे कि रूरल पीपल्स हैं थोड़ा सा डर जाते हैं कैमरे के आगे आने से मैं भी पहले बहुत ज़्यादा डरता था लेकिन जॉर्डन भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है तो मैं आज कैमरे के आगे बोल पा रहा हूँ तो जॉर्डन भाई अगर आप मेरा अभी ब्लॉग देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपके लिए जहाँ तक मेरी मोबाइल की बैटरी चलेगी वहाँ तक मैं आपका साथ दूँगा पूरी इसको नर्सरी को दिखाने में तो लेट्स स्टार्ट पेड़ पौधों के लिए बरसात का जो पानी है वो यहाँ से इकट्ठा कर लिया जाता है एंड दिस इसके जरिए सब जगह पहुँचा जाता है वो वहाँ से पानी भी चल रहा है देखो आप देख सकते हो तो बहुत ही डेंजर जगह से मुझे गुजरना पड़ रहा है दोस्तों अभी आपको थोड़ा क्लियर दिखाई देगा तो वो शायद अदर साइड में वो उधर तो अपन इसको बाद में देखेंगे कभी आएंगे एक बार फुर्सत में तो वो बंदा आ जाएगा ना तब तक गाइडर तब उससे पूछ पूछ के मेरे पेड़ बड़ा मस्त लग रहा है मेरे को देखने में सच बता रहा हूँ एक नंबर लग रहा है बहुत ही खूबसूरत है एंड इस साइड में आप देख सकते हो फूल वगैरह तो दोस्तों अभी फ़िलहाल अपन चलते हैं फ्लावर्स की तरफ फूल वगैरह देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे देन यहाँ पर देख सकते हो केला है जो अभी पक्के नहीं है तो ये केला का पेड़ है जिसको खानी आ जा तो यहाँ से गली से गुजरना पड़ रहा है तो बच गया ना ये फ्लावर्स बड़े शानदार लग रहे हैं दोस्तों मेरे को तो एंड और दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे अच्छे फ्लावर्स कटिंग वगैरह हो चुकी है शायद इनकी तो ना मेरे को बड़े अच्छे लग रहे हैं ओ भाई ये है पेड़ तो यार एकदम छतरी टाइप में इसने बचा लिया भाई मेरे घूम से ये क्या जब पेड़ एकदम छतरी टाइप पे ये तो मैं लगाऊंगा घर में ही नहीं कंडीशन रेट भी तो हाई फाई होगी इसकी तो फिलहाल मैं भी कुछ सिनेमेटिक क्लिप्स लेने की सोच रहा हूँ जो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ तो ट्राई करते हैं एक बार
क्योंकि गिम्बल वगैरह तो अभी है नहीं, मैं घर पर आया हुआ हूँ, तो ट्राई करते हैं ऐसे ही कुछ सिनेमेटिक क्लिप्स लेने की। तो मैं अकेला क्लिप दे रहा हूँ, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने वाला हूँ, तो देख लेना, थोड़ा मैनेज कर लेना है। जस्ट पापा जी भी अभी निकल चुके हैं और मैं भी जाता हूँ उनके बीच पीछे। ठीक है भाई साहब, नंदू जी पक्का आना आप है। ठीक है छोटू, डर पे बात नहीं कोई। ठीक है आप अपना काम करो आराम से, पापा जी से राधा स्वामी। भाई ने हमारी बहुत हेल्प किया यार, थैंक यू ब्रो। चल खा पी ले यार, ये कुछ खा रहा था तो मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा सा। और ये भी आपके, मतलब ये यार पीछे की साइड जो ये टेंट वगैरह दिख रहा है, ये आपका ही है? ये पीछे टेंट के पीछे भी गेहूं है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोस्तों कैसी लगी आपको करौली की नर्सरी एक बार मेरे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या कि अभी गाइडर था नहीं, तो कभी और आएंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से कैमरा वगैरह लेके, और तब आपको बताएंगे इस नर्सरी के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यार दोस्तों, तो आपको कैसा लगा सब देख के एक साथ इतने सारे पेड़, तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड जस्ट ये पारस नर्सरी, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है, आप नोट कर सकते हो अगर आपको कभी आना पड़े तो। तो दोस्तों फिलहाल अभी रात के बज रहे हैं दो, और मैंने अपने ब्लॉग अभी एडिट करके रेडी कर दिया है, तो मैं इसको कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। लेकिन ब्लॉग में जो भी आपको पोर्शन सबसे बेस्ट लगा उसको मेरे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छी तरीके से उसको अगली बार आपको वीडियो मेंटेन कर सकूं। एंड जो भी पुराने बंदे हो चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जो भी नए बंदे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू एंड लव यू ऑल।